वेलकम गाइस, आज हम बना रहे हैं चने वाले चावल। और ये पानी में हमने चने डाल दिए हैं, ये बॉयल होंगे अभी। अब इसको बंद कर दिया और चूल्हे में रख लेंगे इसको। और यहाँ पे बन रहा है मसाला चावलों का, और चिकन बनाना है आज साथ में चावल और बैंगन का रहता। यहाँ पे चने बॉयल हो गए, ठीक है, चेक करूँ तो निकाल रहे हैं। यहाँ पे चावल रखते हैं, मतलब जब भी आपने बॉयल करनी है ना, इसमें नमक वगैरह भी नहीं डाल देना, क्योंकि नमक से इसका टेस्ट जो है ना ज़्यादा अच्छा आ जाता है। वैसे छान लो सारे। वहाँ पे हमारे चने भी हो गए और मसाला भी बन रहा है, तो हंडिया भी तकरीबन तैयार हो चुकी है। और सालन बनाया है मुर्गी का, ठीक है, आलू और गोश्त बनाया है, ठीक है। और यहाँ पे आलू गोश्त का सालन भी बन गया है, ठीक है, तैयार है। आ जाए जिस जिसने खानी है, खाना खाना है, आ जाए। अच्छा बनाया ना। हेलो गाइस, तो मैं बना रही हूँ बैंगन की चटनी। और आज मैं बनाऊँगी बैंगन की चटनी, और सब ने आप सब ने ट्राई करना है, ये चल क्यों नहीं रही। अच्छा, तो आप सब ने ट्राई करना है, ठीक है। इस तरह से इसको ना कटिंग कर लेना है आपने, इस तरह से राउंड शेप में। और इसको फिर हम फ्राई करेंगे मसाला लगा के। और आप सुनाए, आप सब ठीक है? तो मेरी अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, जिसकी वजह से मैं इतनी अच्छी वीडियो बना नहीं पा रही, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मैं परेशान हूँ अम्मी की वजह से। और अम्मी की टांग को बाजू को मसला बन गया है, तो आप लोगों ने दुआ करनी है। मिल गया वो मेडिसिन, देना ज़रा, पकड़ाओ ज़रा नानों की, दिखाओ। और आपने इस शेप में इनको कटिंग कर लेना है, और बाद में इसको मसाला लगाना है। मसाला लगाने के बाद इसको फ्राई करके और तड़का लगाना है आपने दही को, सही है। इसी तरह से मेरे साथ इसी वीडियो में रहना। तो आज जुम्मा है, और जुम्मे को हमारे घर में बहुत अच्छा खाना बनता है, आम दिनों की नस्बत है ना, जुम्मे वाले दिन और संडे वाले दिन खाना ज़्यादा अच्छा बनता है। वो फाइल भी पकड़ाओ। और ये देखें, बहुत ज़्यादा अम्मी की तबीयत ख़राब है, और ये सारी दवाइयाँ मेरी अम्मी की हैं। आप सबने मेरी अम्मी के लिए दुआ करनी है, क्योंकि टांगों को, बाजुओं को, हड्डियों का मसला हो रहा है शुगर की वजह से। अम्मी की दवाइयाँ, अम्मी की ये वाली। ये तकरीबन 5,000 की मेडिसिन आई है, काफ़ी ज़्यादा है कि जो ना तबीयत ख़राब हो गई, बाजू पर नहीं जा रहा। तो आप सब ने दुआओं में याद रखना है, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि तबीयत कैसी है, क्योंकि चेकअप भी जो 5,000 है ना, उसी में हुआ। नमक मिर्च मैंने मिक्स कर दी है, ठीक है, इनको मैं मिक्स करने लगी। जितना आपको पसंद है इतना ऐड कर लीजिए। देखते क्या कर रहा है, पकी भी लगा हुआ। हाँ, कह रहा है मुझे दे खाने के लिए, मांग रहा है। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ इसको क्या करना है, ठीक है। इसको आपने इस तरह से बैंगन और इस तरह से अच्छी तरह से इसको लगा देना है, ठीक है।
सारे इसी तरह से करने हैं। इसको मसाला सारा लगा लिया, अब मैं फ्रिज में रखने लगी हूँ और फ्रिज में मैं रखूँगी इसको, ये देखिए। और गाइस यहाँ पे मैं बना रही हूँ बैंगन की चटनी, ठीक है, और इसको अच्छी तरह से कोई चीज़ नहीं इसमें डालनी, ठीक है। और बैंगन मैंने नमक मिर्च लगा के रखे हुए हो गए, मैं आपको आपको वो भी दिखाती हूँ। और ये देखो ऑयल हो रहा है, इस तरह से आपने ना इसमें ऐड कर लेने, ठीक है, दही में, और बाद में इसके अंदर ऊपर से जैसा कि आज आपको पता है कि मैंने बहुत सारा काम किया है, ठीक है, खाना बनाया, इसके बाद चटनी बनाई, और चटनी आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करनी है। और अभी मैं खाना देने लगी हूँ अम्मी और अब्बू को, उनके लिए खाना लेके जाने लगी हूँ। और मैं अपनी अम्मी अब्बू को कैसे खाना देती हूँ, आइए मेरे साथ देखें। नमक डाला इसमें, दूध में नमक डाल दिया, ठीक है, बन गई लस्सी। सालन अब डालने लगी हूँ, ठीक है, और आलू गोश्त बनाया है। आज गाइस जिस जिसने खाना है, जुमा अल मुबारक हो आप सबको, और आज सारा दिन मैं बिजी रही हूँ, खाना बनाती रही हूँ, और इसको भी रखेंगे ट्रे के अंदर। क्योंकि मेरा कैमरा पकड़ने वाला कोई नहीं होता, इसलिए फिर मुझे इस तरह से बनानी पड़ती है। और चने वाले चावल है, जिसको ये रेसिपी चाहिए, ये मैंने पहले बनाई हुई है, ठीक है, डिटेल से मैंने बताया हुआ, जाके तो वो वीडियो देखें। तो आ जाएँ जिस जिसने खाने हैं चने वाले चावल, मुझे तो बहुत पसंद है। और अम्मी खाएगी रोटी और अब्बू ने खाने चावल, तो ये भी हम इधर रख देते हैं, ठीक है। अभी ये सारी ट्रे हो गई तैयार, तो अभी मैं जा रही हूँ खाना देने, ठीक है, तो खाना लेके जा रही हूँ। तो आप लोगों ने मुझे अच्छे अच्छे से कमेंट करने हैं, और मेरी वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है ज़्यादा से ज़्यादा, मेरी वीडियो पे आपने ध्यान देना है, ठीक है ना, क्योंकि मेरे व्यूज़ कम हो गए। और आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अपनी सोनी व्लॉग को सपोर्ट कीजिए। और अम्मी की वजह से मैं बहुत परेशान हूँ, क्योंकि अम्मी की जो बाजू है ना और टांगे, उनमें थोड़ा मसला आ रहा है। तो आप लोग दुआ कीजिए, और दुआओं में मुझे भी याद रखें,
तो आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और ये बैंगन की जो रायता मैंने बनाया ये ज़रूर ट्राई करना। और अभी मैं जा रही हूँ, तो अल्लाह हाफिज़।